नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिनका भी सपना है टेक्नीशियन और एलपी बनने का, सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ट्रेड की क्लास को कर रहे थे और ट्रेड में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिलेबस, आपको पता ही है। सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस कर ही दिया था। सिलेबस के बाद हम लोग व्हाट इज फिटर, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे टॉपिक। टॉपिक जो पढ़ना हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ से, आपको लग रहा होगा डेली हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज फिटर, फिटर से हम लोग चीजें जो है स्टार्ट कर रहे हैं। फिटर क्या है, तो जब हम लोग पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हैं अपने जीवन में, बहुत कम बार रिवाइज, तो आपका एक बार रिकॉलिंग हो जाता है, चीजों का आप प्रॉपरली समझ लेते हो कि अब आपसे पूछेगा कि फिटर क्या है, व्हाट इज फिटर, फिटर का मतलब क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो फिटर क्या है। फिटर एक कुशल कारीगर है जो क्या कर रहा है, आप देख पा रहे हैं इसके द्वारा क्या कर रहा है, प्रॉपर एक कारीगर होता है। फिटर क्या होता है, एक कारीगर होता है, और ये कारीगर में काफी निपुणता होता है कि किसी भी मशीन को स्टार्ट करना, उसके मेंटेनेंस करना, प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेनेंस करना, उसको फिटिंग करना, ये एक कुशल कारीगर होता है। फिटर एक कारीगर होता है और प्रॉपरली वो मशीन के हर पार्ट की जानकारी है। तो ये चीजें आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया होगा, फिटर क्या है। बार बार आपको डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, आप इस चीजों से महसूस कर पाएंगे फिटर क्या होता है। फिटर एक प्रकार का कारीगर है जो पूरी तरह से मशीन के हर पार्ट्स की जानकारी रखता है। चलते आगे, आगे चलते हम लोग अगले पॉइंट्स के ऊपर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है, तो हमने बताया कि तो प्राथमिक निपुणता में चल रहे थे हम लोग, प्राइमरी स्किल के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। किसके ऊपर, प्राइमरी स्कूल स्किल के ऊपर हम लोग चर्चा। इलेक्ट्रिशियन की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे भाई, सारे क्लास आपके जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर यहां नहीं चला तो ऐप पर तो जरूर ही चलेगा, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा चाहता हूं आपको पढ़ा दूं ऐसे, इसलिए मेरा भी मन होता तो सिर्फ हम एप्लीकेशन पर ही पढ़ा सकते थे, लेकिन बस मुझे है थोड़ा लगता है कि आपके साथ मैं टाइम बिताऊं और आपको करा दूं, तो ये चीजें मैं इसीलिए इस पर प्रॉपरली करा रहा हूं। और एक बार जितने भी साथी हैं जिनको लगता है सेशन को शेयर करना चाहिए, एक बार सभी लोग सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर दें। तो प्राथमिक निपुणता के बारे में हमने चर्चा किया था, इसमें बताया था समस्त हैंड टूल और कटिंग टूल्स का जो है प्रयोग करने आना चाहिए था, समझ में आ रहा ना। तो अब समस्त हैंड टूल्स, बेसिक साइंस का क्लास एप्लीकेशन पे आज से स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो समस्त हैंड टूल्स हमने क्या बताया कि समस्त हैंड टूल्स और तथा कटिंग टूल्स का जो है प्रयोग करना, तो इसमें हम आपको पढ़ा दिए थे मार्किंग क्या है, पिछले क्लास को देख लेना जो भी नए बच्चे हैं, मार्किंग, और मार्किंग क्या है, चिन्हित करना, मार्किंग का डिफिनेशन हमने पढ़ा दिया था आपको, ये सब हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। किसी भी जॉब को पे जो हम क्या खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्किंग, चिन्हित करना, यार चिन्हित करना क्या कहलाता है हमारा, मार्किंग कहलाता है। ये भी चीजें हम लोगों ने प्रॉपरली पढ़ लिया था, किसी भी जॉब के ऊपर जो है चिन्हित करना ही मार्किंग कहलाता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद आगे हम जाके पढ़े थे मार्किंग मीडिया के संबंध में, ये आपको स्क्वायर फिट करना है या वी फिट करना है, मार्किंग हमने बता दिया था। जॉब को बनाने का जो सबसे पहला काम होता है वो मार्किंग होता है, उसके बाद हमने आपको मार्किंग मीडिया के संबंध में बात किया था। कल हम लोग पूरे डिटेल में मार्किंग मीडिया के संबंध में हम लोग पढ़ चुके थे कि मार्किंग मीडिया में हमारा व्हाइट वाश है, पर्सियन ब्लू है, कॉपर सल्फेट का घोल है, और आपका सल्लोज लिकर है। पिछले क्लास में हमने पूरे डिटेल में मार्किंग मीडिया के संबंध में पढ़ा था, और मार्किंग मीडिया में हमने देखा था कि सफेदी क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहां करेंगे। तो कल हम आपसे एक क्वेश्चन जैसे पूछा जाए कि जो रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस आप समझ रहे हैं, रुखरा जगह जिसको कहते हैं, जिसका सरफेस क्या हो, रुखरा हो, वहां पे हम किसके द्वारा कौन सा मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, जो सफेद आपका रुखरा हो, रुखरे सतह पर, ऊबड़ खाबड़ वाले सतह पर जो हम इस्तेमाल करेंगे, वहां पर हम लोग मार्किंग मीडिया, कौन से मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर जो मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करेंगे सफेदी का, किसका इस्तेमाल करेंगे, सफेदी का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रफ सतह वाले पर कौन से मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो सफेदी का, समझ में आ रहा, पर्सियन ब्लू। अगर आपका बहुत प्लेन सतह हो, प्लेन सतह हो, तो वहां पर हम लोग कौन सा मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा करेंगे, पर्सियन ब्लू। पर्सियन ब्लू को थोड़ा सूखने में ज्यादा समय लगता है और जॉब बनाने समय ये जल्दी मिट जाता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी देखा गया पर्सियन ब्लू में। उसके बाद हमने नीले थोते में बताया, उसके बाद सेल्लोज लिकर में बताया,
सबसे अच्छा मार्किंग मीडिया कौन होता है? इस चारों ऑप्शन है, आपसे पूछा जाए सबसे बढ़िया मार्किंग मीडिया कौन सा होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास का लिंक दे दीजिए प्लीज सर। अरे भैया वो एप्लीकेशन पे हो रहा है, आप बार बार मैसेज में, आपसे बात करूंगा, अभी हमको थोड़ा पढ़ाने दीजिए, आपसे लास्ट में थोड़ी देर बाद सबके ऊपर बात करेंगे। तो हमने बोला है कि सफेदी, पर्सियन ब्लू, नीले तोते और सेलोज लिकर में जो है सबसे अच्छा मार्किंग मीडिया कौन होता है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अच्छा मार्किंग मीडिया, तो सबसे अच्छा जो मार्किंग मीडिया होता है, सबसे अच्छा मार्किंग मीडिया होता है सल्लोज। सल्लोज जो है सबसे अच्छा। तो हमने कल पढ़ा था, सफेदी के बारे में पढ़ लिया था कि ये जो है प्रयोग रफ सरफेस पर किया जाता है, रफ सरफेस पर किया जाता है, रफ सतह पर इसका प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन है आपका, फिनिशिंग जॉब के लिए उचित नहीं है, ये दोनों चीजों की जानकारी कल हमने ले लिया था। उसके आगे हम लोग पढ़े थे कि सफेदी व्हाइट वॉश के बारे में, इसे बनाने के लिए कई विधियां है। अब व्हाइट वॉश कैसे बनाते हैं कल हमने देख लिया था, चौक पानी से या चौक स्प्रिट से, ये भी पिछले क्लास में हमने पढ़ रखा था। उसके आगे हम लोग बात करेंगे, पर्सियन ब्लू हमने बताया था, तो पर्सियन ब्लू में जो एक इंपॉर्टेंट बात हमने बताया था वो क्या बताया था कि यह मशीन या मशीन पर प्रयोग किया जाता है। ये किस पर, इसका जो मार्किंग मीडिया है तो प्राय मशीन या फाइल की गहराई की गई, फाइल की गई मतलब प्लेन चिकना सतह पर इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा चीज बताया था, इस पर खींची रेखा जो है साफ दिखाई देता है परंतु इसे सूखने में अधिक समय लगता है और कार्य करते समय ये मिट जाती है। ये अभी हम थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं मेरे भाई क्योंकि मैं ये पिछले क्लास में पढ़ा चुका था पर्शियन ब्लू के संबंध में। पर्शियन ब्लू जो मार्किंग मीडिया है, मार्किंग मीडिया में पर्शियन ब्लू के बाद हम लोग बात किए थे कॉपर सल्फेट के घोल पर, जिसको नीला थोथा के घोल पर, नीला थोथा भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं मार्किंग सोडा में, सॉरी मार्किंग मीडिया में, और नीला थोथा में जो है इसका फाइलिंग सतह पर भी इसका प्रयोग किया जाता है और इसे विष घोल कहा जाता है। तो कॉपर सल्फेट के घोल को हम लोग क्या कहते हैं, विष घोल भी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज देखे थे। और लास्ट में हम लोग देखे थे सल्लोज लिकर के संबंध में, तो बताया था यह सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया है। एक क्वेश्चन बनेगा सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया कौन है, तो सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया जो है वो है आपका क्या, सल्लोज लिकर जो है। कल हम लोगों ने यहां तक सल्लोज लिकर कई रंगों में आते हैं, तो पूछेगा ऐसा कौन सा मार्किंग मीडिया है जो बाजार में कई रंगों में उपलब्ध होते हैं, तो बाजार में जो कई रंगों में उपलब्ध होते हैं वो है आपका सल्लोज लिकर। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसीलिए थोड़ा फास्ट में हमने रिविजन किया, 5-10 मिनट का समय लगा। हम प्रॉपरली, इसमें कितने ऐसे साथी है जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जल्दी से 5 टाइप कीजिए, जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं एक बार 5 टाइप कीजिएगा। तो आप अगर रेगुलर क्लास करेंगे तभी आप सीख पाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात, जिसको भी जो समस्या है, मैं भी बात कर रहा हूं बहुत सारे बच्चे से और हमारे साथी जो है वो भी आपसे बात कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ क्या मैसेज करना है, ALP मैसेज करना है। क्या करना है, ALP लिखकर। बहुत सारे बच्चे को कॉल गया होगा और हम भी बात किए बहुत सारे बच्चे से, तो ये जो है हजारों हजार की संख्या में, इसीलिए मैं सिर्फ मैं नहीं कर पा रहा हूं। अगर हमारे पास मैंने एक साथी को रखा है, अगर वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर पा रहे हैं ठीक है, आपको ज्यादा लगता है तो मैं भी बात कर रहा हूँ उन बच्चों से जिसको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग दो लोग मिलकर इन सारे बच्चों से बात कर रहे हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, फिटर ट्रेड का ही क्लास चल रहा है, तो इसी नंबर पर, ये जो नंबर है आपको जारी किया गया है व्हाट्सएप के लिए, आपको लोको पायलट बनने में कोई भी समस्या है, किसी भी तरह का समस्या है, आप इस पे मैसेज कीजिए ALP और मैं आपसे बात करूंगा, प्रॉपरली आपसे बात करूंगा ठीक है। ये नंबर आप जरूर लिख लेंगे। और यही टेलीग्राम चैनल होगा जो ALP PDF टेलीग्राम होगा, इसका स्कैनर है, स्कैन कर सकते हैं आप, और इस पे आपको सारा चीज ALP का एक एक मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप में भी कराया जाएगा और यहाँ भी कराया जाएगा। तो जितने भी साथी हैं, इसका ग्रुप अभी बनने वाला है, जल्दी ही बन के आपको मिल जाएगा, और समस्या जो भी है आप इस पे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें। तो पिछले क्लास में जो हम लोग, आप नंबर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये नंबर आपको नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अब आपको यहां तक हमने कल पिछले क्लास में हमने ये पूरा मार्किंग मीडिया पूरे डिटेल में हम लोगों ने पढ़ रखा था, पूरा मार्किंग मीडिया ओके। तो मार्किंग मीडिया जो है पूरा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे जो आज चर्चा करेंगे, आज किसके ऊपर हम लोग को पढ़ाई करना है वो जरा देखेंगे। आज हम लोग मार्किंग मेथड पे बात करेंगे, मार्किंग के क्या क्या मेथड होते हैं,
किस किस प्रोसेस से हम मार्किंग करते हैं उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको बैच के संबंध में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, अभी कुछ भी बात नहीं करेंगे, आपको एक बैच लेना है कॉम्बो, बस सब कहानी खत्म हो जाए। मार्किंग की जो विधियां है, मेथड्स ऑफ मार्किंग, तो मार्किंग की जो पहली विधियां है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल लाइन मेथड। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल लाइन मेथड। दूसरा जो विधि है उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट द्वारा मार्किंग, किसके द्वारा, टेम्पलेट के द्वारा मार्किंग। और तीसरी जो विधियां है वो है आपका डेटम लाइन मेथड, क्या कहा जाता है, डेटम लाइन मेथड। ये तीनों मेथड को अभी हम पढ़ाएंगे कि सेंट्रल लाइन मेथड क्या होता है। हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, मार्किंग की विधियां, किसी भी जॉब में मार्किंग करने की ये तीन विधियां है, ये तीनों विधियों को आपको समझना होगा। किसी भी जॉब को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। कोई भी जॉब हो उसको बनाने से पहले क्या किया जाता है, मार्किंग किया जाता है। और मार्किंग की ये तीनों विधियों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला है सेंट्रल लाइन मेथड, हम सीखेंगे अभी कि सेंट्रल लाइन मेथड क्या होता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे टेम्पलेट के द्वारा मार्किंग क्या होता है। और तीसरा जो है डेटम लाइन विधि, क्या हमने बताया, डेटम लाइन विधि द्वारा मार्किंग क्या होता है। अगर आपको ट्रेड का टीचर बढ़िया मिल गया तो आपको लोको पायलट से कोई नहीं रोक सकता है, यह मेरा चैलेंज है। और एक दूसरी बात, आप बहुत सारे बच्चे होंगे जो दूसरे का मतलब कहीं कहीं आप ट्रेड की पेड कोर्स खरीद रहे होंगे, ये वो देखकर आप हमारे फ्री क्लास से कंपैरिजन कर लीजिएगा। सर जो कंटेंट दे रहे हैं क्या यही चैप्टर, सेम चैप्टर पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि यही चैप्टर जो आपने पढ़ा है क्या सर इससे ज्यादा पढ़ा रहे हैं या कम पढ़ा रहे हैं। यही सेम चैप्टर का मार्किंग टूल से ही आप कंपैरिजन जरूर करके तभी कोर्स को परचेज करेंगे। चलो तो हम लोग बता रहे हैं सेंट्रल लाइन मेथड क्या होता है, टेम्पलेट द्वारा मार्किंग और डेटम लाइन। सबसे पहले जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो है सेंटर लाइन मेथड। क्या पढ़ेंगे, सेंटर लाइन मेथड। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि सेंटर लाइन मेथड क्या होता है। कहते हैं ऐसे जॉब जिनका कोई भुजा फिनिश ना हो उन पर इस विधि द्वारा मार्किंग किया जाता है। कहते हैं ऐसे जॉब जिनका कोई भुजा फिनिश ना हो, भुजा जो वो फिनिश नहीं हो, इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए एक बात कह रहे हैं आपको ऐसा जॉब बनाना है, इस तरह का आपको जॉब बनाना है और यहां पे देख रहे हो इसका किनारा फिनिश है, किनारा जो है वो एकदम बिल्कुल फिनिशिंग है, देख रहे हो, फिनिशिंग का मतलब समझते हैं ना, एकदम ऐसा फिनिश, पूरा किनारा फिनिश, ये तो ठीक है बना लेंगे हम आराम से, इससे हम नाप वाप लेंगे। लेकिन एक ऐसा आपको आयरन सीट दे दे जो ऐसा हो, ऐसा लोहे का टुकड़ा दे दे, अब ऐसा लोहा का टुकड़ा दे देगा, आप बोलेगा इससे आपको बनाना, क्या बनाना है, जॉब बनाना है, ऐसा बनाना है, प्लस वाला बनाना है। ऐसा एक लोहा का आपको क्या दे दे, टुकड़ा दे दे सर, टेढ़ा मेढ़ा, क्या आपने बोला, टेढ़ा मेढ़ा एक लोहे का टुकड़ा आपको दे दे सर, पूरा एकदम टेढ़ा मेढ़ा, एक लोहे का टुकड़ा आपको पकड़ा दे सर, ऐसा टुकड़ा आपको एक लोहे का पकड़ा दे, अब बोले इससे आपको जॉब बनाना है, तो जॉब बनाने का सबसे पहला काम क्या होता है आप बताइए, ऐसा एक आपको टुकड़ा लोहे का दे दे और बोले भाई इस पे तुम्हें जॉब बनाना है। चलो मैं ऐसे लोहे का टुकड़ा मान लेता हूं, एक लोहे का टुकड़ा जो है ऐसा हमें मिल गया, ठीक, समझना एकदम बारीकी से, एक एक चीज को पॉइंट समझना, हम एक ऐसा लोहे का टुकड़ा ले लिए सर, इसका कोई पता ही नहीं चल रहा है किनारा किधर है, कहां से नापे, तो हम इस पर लगाएंगे मार्किंग करेंगे, तो मार्किंग पहले कैसे करेंगे, सेंटर लाइन, इसके बीच, सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र, तो बीच से एक लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे, बीच से एक लाइन खींचेंगे, इसके बीच से एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन इधर खींच लेंगे और एक लाइन इधर खींच, इसका पहले सेंटर बना लेंगे,
इसका पहले क्या बना लेंगे, हम सेंटर बना लेंगे। अब हम इसका सेंटर बना लिए, केंद्र बना लिए। अब सेंटर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, तब हम यहां आराम से हम लोग ये चाप काटना होगा तो चाप काट लेंगे, या पहले आप ऐसे करके आपको कैसा जॉब बनाना, इस तरह का तो ये जो जॉब काट के हमने निकाला ये किसके मदद से, इस सेंटर के मदद से। तो सेंटर लाइन मेथड का जो मार्किंग का एक मेथड है, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर लाइन मेथड। क्या कहते हैं, सेंटर लाइन मेथड जिसे कहा जाता है। तो सेंटर लाइन मेथड से हम लोग कहते हैं ऐसे जॉब जिनकी कोई भुजा फिनिश ना हो। कोई भुजा आपको पहले फिनिशिंग नजर आ रहा था, जब कोई भुजा फिनिश नहीं था और आपको एक ऐसा जॉब निकालना था इस लोहे के टुकड़े से, तो पहले हमने केंद्र में लाइन खींच लिया, उस टुकड़े के बीचे बीच हमने लाइन खींच के तब हम इसको सेंटर से निकाल लिए। अब किनारा कोई फिक्स है ही नहीं, तो हम सब कुछ का नाप कितने से लेंगे, बीच ले लेंगे अगर 4 मीटर लेना है, अगर मान लीजिए यहां से हम 2 मीटर लेंगे कैसे ले लेंगे, यहां से 6 मीटर तो दिक्कत होगा। तो ऐसा जॉब को बनाने के लिए हम पहले सेंटर में लाइन खींच लेते हैं और यहीं से सब चीज का मेजरमेंट हम करते हैं। तो इसको कहते हैं सेंट्रल लाइन मार्किंग, सेंट्रल लाइन मेथड। तो सेंटर लाइन मेथड का अप्लाई कहां करते हैं, जहां पर क्या हो, जॉब की कोई भुजा फिनिश ना हो, जॉब का कोई भुजा इसमें फिनिश नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो बताइए जल्दी से, क्या आपको मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, पूरे बेसिक से एक एक चीज पढ़ाएंगे आपको। और बहुत सारे बच्चे ने क्लास, अब देखिए हम ऐसे थ्योरी की क्लास चल रहे हैं और धीरे धीरे बच्चे घट रहे हैं, तो मैं क्लास सिर्फ एप्लीकेशन पर पढ़ाएंगे, और बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन पर आ गए हैं, ऐसा नहीं है। तो हम ये क्लास अगर आपका रहेगा सर, आप प्रेजेंट रहेंगे, तो हम कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा नहीं कि 10 बजे रात को हम भी जग रहे हैं, सुबह से हम भी 8 क्लास पढ़ाते हैं, पर आपका सपोर्ट रहे ही नहीं, 10 बच्चा क्लास देखे तो फिर हम इसको बंद कर देंगे, फिर MCQ पढ़ाएंगे। थ्योरी कोई नहीं पढ़ाता है, इसलिए तुम रहते ही नहीं हो, अगर आप रहेंगे तो मैं आपको कराऊंगा। और ऐसे धीरे धीरे पहले दिन 100 150, फिर आप घट रहे हैं, फिर किसी दिन आप बता दो सर ठीक नहीं लग रहा है, मैं बंद कर दूंगा। लेकिन एक बार आप लोग सभी लोग थोड़ा शेयर वर्क कर दिया कीजिए क्लास को, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है। हम बैठ के 2-3 घंटे में ये सारे चीज बनाते हैं ताकि आपको हम समझा पाए, कोई किताब में अंडरलाइन करके नहीं पढ़ा रहे मेरे पास, समझ में आ रहा है ना। आप देख लीजिएगा अच्छे अच्छे कोर्स वाले जो है किताब काट काट के लाइन लाइन पढ़ा रहे हैं, वहां से समझ नहीं आएगा और पास नहीं कर पाएंगे, लगेगा कि हम ट्रेड पढ़ दिए। चलते हैं आगे, तो सेंटर लाइन मेथड आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यही होता है सेंटर लाइन मेथड, ऐसे जॉब जिनकी कोई भुजा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं सेंटर लाइन में, तो सेंटर लाइन समझ में आ गया होगा। सेंटर लाइन मेथड क्या करते हैं, पहले हम 20 से एक लाइन खींच लेते हैं, कोई भी जॉब में 20 से एक लाइन खींच लेते हैं, और फिर हम जॉब बनाते हैं, चाहे जैसा भी जॉब बनाना हो, ठीक है, जिसका भुजा फिक्स नहीं होता, इसे हम लोग सेंटर लाइन मेथड कहते हैं। तो सेंटर लाइन मेथड जो है आपका क्लियर है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। अगला है सेंटर लाइन मार्किंग के लिए ऐसे कार्यों के मध्य में एक अनुमानित रेखा खींचा जाता है, मतलब वही सेंटर में बताया है कि सेंटर लाइन मेथड में क्या करते हैं, जॉब के बीच में मध्य में एक अनुमानित रेखा खींच ली जाती है और उसकी आधार मानकर मार्किंग की दूरियां रेखा खींची जाती है, मतलब सेंटर को ही आधार मान लेते हैं। तो सेंटर लाइन मेथड मार्किंग का एक मेथड है, सेंटर लाइन मेथड, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज मीन बाय सेंटर लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड का मतलब क्या होता है, क्या आपका क्लियर है, इज इट क्लियर। हम लोग आधार मानने के लिए बीच से ही लाइन खींच लेते हैं और उसी से सब कुछ मापते हैं, 2 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, तो बीच से हम काम करते हैं जब हमको उसका किनारा समझ में नहीं आता है। ये मार्किंग का एक प्रोसेस है, इसको हम लोग सेंटर लाइन मेथड कहा जाता है। एक बच्चा लिख रहा है 22 सर, कोई बात नहीं है, आप जाइए, जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप अपने एग्जाम का परिणाम आएगा, उस दिन आप अपना नाम ढूंढिएगा, 2-4 बार ढूंढिएगा, 5 बार रोल नंबर डालिएगा, फिर आप सोचिएगा हम क्या कर रहे हैं अपने टाइम को।
आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। इतना आसान नहीं है कि हम 2 दिन में आप पूरा ट्रेड पढ़ लीजिएगा, ट्रेड पढ़ने के लिए समय। अगला है टेम्पलेट द्वारा मार्किंग, मार्किंग बाय टेम्पलेट। किसी चीज को, किसी भी जॉब को टेम्पलेट के माध्यम से, सर बार बार मैसेज ना करें, अब सीखे चीजों को। हमने क्या बोला है कि टेम्पलेट के द्वारा मार्किंग, मार्किंग बाय टेम्पलेट हमने किया है। क्या बोला है जरा ध्यान से समझिएगा, टेम्पलेट के द्वारा मार्किंग किसे कहते हैं, टेम्पलेट के द्वारा हम कैसे मार्किंग कर सकते हैं। तो पहले से फर्मा, मतलब रोड पे अगर लाइन खींचना है तो वो क्या कर रहे हैं, एक फर्मा रखे हैं उसमें ऐसे पेंट कर दिए, तो स्क्वायर में इसको टेम्पलेट कहते हैं। एक यहाँ पे टेम्पलेट रख दिया हमने, एक हमने मान लो ऐसा जॉब बनाना है, हम ऐसे बना के पहले से रखते हैं, उसके चारों बगल लाइन खींच दिए और फिर काट देंगे, इसको कहते हैं हम टेम्पलेट। टेम्पलेट है क्या इसका, कहते हैं इसको, कहते हैं टेम्पलेट के द्वारा मार्किंग, मतलब पहले से बना होगा, इसको हटा लेंगे फिर उसको काट देंगे। ये आप लोग भी बचपन में खूब किए होंगे, तो टेम्पलेट के द्वारा मार्किंग आपको समझ में आ गया होगा। अब आप डिफिनेशन पढ़ेंगे, किसी चीज को रखकर, किसी का सहारा लेकर जो मार्किंग होता है, किसी का भी सपोर्ट लेकर जो मार्किंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट के द्वारा मार्किंग। किसके द्वारा मार्किंग कहते हैं, टेम्पलेट के द्वारा मार्किंग कहा जाता है। यह आपको समझ में आ रहा है, तो टेम्पलेट प्रोसेस के द्वारा मार्किंग क्या है यह आपको समझ में आ रहा है। लिखा है बहु उत्पादन कार्यों पर शीघ्र मार्किंग करने के लिए, एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा कि शीघ्र मार्किंग करने के लिए, मतलब तुरंत मार्किंग करने के लिए, शीघ्र मार्किंग करने के लिए, शीघ्र मतलब तुरंत, तुरंत मार्किंग करने के लिए, शीघ्र मार्किंग करने के लिए किस विधि को अपनाई जाती है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा किसी जॉब के ऊपर तुरंत मार्किंग करने के लिए, तब आप क्या कहेंगे, टेम्पलेट विधि, टेम्पलेट मार्किंग प्रोसेस आपका एक ऑप्शन में होगा। शीघ्र मार्किंग करने के लिए कौन से विधि को अपनाई जाएगी, टेम्पलेट विधि को अपनाई जाएगी। एक क्वेश्चन आपका क्लियर है, क्या क्लियर है कि नहीं, कि पूछेगा किसी भी, एकदम आराम आराम से पढ़िएगा, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास 4-5 महीने का वक्त है, हम एक एक चैप्टर पे एक एक सप्ताह लगाएंगे, लेकिन हम सीख के जाएंगे, हम अच्छे से चीजों को सीखेंगे। तो बहु उत्पादन कार्यों में जिसका उत्पादन खूब होता है, मतलब आप समझ रहे हैं, जिसको खूब बनाने की जरूरत है, उसका हम टेम्पलेट बनाकर ही रख दिए, फार्मा कहते हैं। सर मेरा ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, फिटर क्लास मेरा देख कर क्या हो गया, तो शीघ्र मार्किंग के लिए यह विधि अपनाई जाती है। तुरंत मार्किंग करना है तो कौन सा विधि को अपनाएंगे, टेम्पलेट विधि को अपनाएंगे, टेम्पलेट विधि के द्वारा हम तुरंत मार्किंग करेंगे। इसमें सभी लोग फिटर वाले ही हैं क्या, अगर फिटर वाले हैं तो 5 टाइप कर दीजिए जल्दी से, और जो फिटर वाले नहीं है वो 6 टाइप कर दीजिए, और जितने फिटर वाले हैं पूरे भारतवर्ष में सबको बोल दो ट्रेड की क्लास यहाँ चल रही है। अब बहुत सारे बच्चे तो अब एप्लीकेशन में ही चले गए। चलिए एकदम ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है इसमें, लिखा है इसमें जॉब के आकार के अनुसार GIA सीट और एल्युमिनियम सीट का एक टेम्पलेट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये लाइन लिखा गया कि टेम्पलेट बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, एक लोहे का GIA सीट का और एक एल्युमिनियम सीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज्यादातर जो टेम्पलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेम्पलेट बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो एल्युमिनियम सीट का या GIA सीट का इस्तेमाल किया जाता है। यहां से क्वेश्चन आपके जनरेट होते हैं और स्क्राइबर के द्वारा क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं, ये जो लाइन खींचते हैं वो स्क्राइबर के सपोर्ट से हम लाइन खींच देते हैं। तो टेम्पलेट के द्वारा मार्किंग भी आपको समझ में आ गया। अभी मार्किंग की हम लोग कितने विधियां के बारे में पढ़ना था, तो मार्किंग की 3 विधियां पढ़ना था, एक सेंट्रल लाइन, तो सेंट्रल लाइन के द्वारा कहां मार्किंग करते हैं और टेम्पलेट के द्वारा कहां मार्किंग करते हैं, ये दोनों का समझ आपके अंदर आ चुका है कि सेंट्रल लाइन के द्वारा वहां मार्किंग किया जाता है जिस जॉब का आकार जो है वो फिनिश नहीं होता है, किनारा फिनिश नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा जॉब है, उसको हम लोग बनाने के लिए, मार्किंग करने के लिए सेंट्रल लाइन विधि अपनाते हैं। कौन सा विधि, तभी तो आप कुशल मिस्त्री बनेंगे, कुशल फिटर बनेंगे, जब हर चीज का ज्ञान होगा। तो
बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आपका था सेंट्रल में टेम्पलेट विधि द्वारा, जिसका खूब ज्यादा उपयोग होता है जिस जॉब का, उसके लिए हम टेम्पलेट बना देते हैं, मतलब फर्मा, फर्मा कहते हैं ना, ईटा का फर्मा होता है ना भाई, मिट्टी डाल रहे हैं ईटा बन रहा है, उसी टेम्पलेट के द्वारा हम मार्किंग करते हैं, टेम्पलेट मार्किंग। अभी आपको डेटम लाइन विधि पढ़ना है कि डेटम लाइन विधि के द्वारा मार्किंग क्या होता है, किसके द्वारा? डेटम लाइन विधि। तो डेटम लाइन विधि के द्वारा हम मार्किंग को पढ़ेंगे, किसके द्वारा? डेटम लाइन विधि के द्वारा। तो डेटम लाइन में हम क्या पढ़ेंगे जरा ये देखते हैं। डेटम लाइन में ये आपको सेंट्रल लाइन समझ में आ गया, उसके बाद आपको टेम्पलेट मार्किंग समझ में आ गया, टेम्पलेट मार्किंग क्या होता है, टेम्पलेट मार्किंग के बाद आपको जो आप समझना है वो आपको डेटम लाइन समझना है। तो यहां पे कहते हैं ऐसा जॉब जिनका संलग्न भुजा समकोण अच्छी तरीके से, दो संलग्न भुजा, मतलब एक ऐसा जॉब ले, जरा देखिएगा ध्यान, ऐसा लोहे का सीट मिला है जो ऐसा है, कैसा है मैं बता रहा हूं एकदम ध्यान से समझिए, इसको समझिएगा एकदम। अब ऐसा लोहा का एक सीट दे दे आपको इस तरह, समझ में आ रहा है ना, ऐसा एक आपको लोहे का सीट पकड़ा दे, बोले लो इससे बनाओ जॉब, हो सकता है भाई। अब पहले जॉब बनाने से पहले क्या करेंगे? मार्किंग। तो हम क्या करते हैं, मार्किंग के लिए नाप जरूरी होता है, मार्किंग के लिए हम क्या करते हैं, नापते हैं पहले चीजों को। तो हम यहां पर क्या दिमाग लगाएंगे, यहां पर आप इंजीनियर है ना तो आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा भाई। ऐसा आपको लोहे का एक टुकड़ा मिल जाए जिसमें दो बेस दिख रहा हो, एक बेस आपको यहां पर दिख रहा है एकदम स्ट्रेट बेस, फिनिशिंग है बेस, ये जो बेस है एकदम फिनिश्ड है, मतलब कहा गया है, डिफिनेशन को पढ़िए, ऐसे जॉब जिनकी दो संलग्न भुजा समकोण हो, मतलब यहां पे 90 डिग्री का एंगल का इस्तेमाल किया गया हो, कितने डिग्री एंगल का, 90 डिग्री एंगल का, 90 डिग्री एंगल का इस्तेमाल किया गया हो, 90 डिग्री का। ऐसा जॉब जिसकी दो संलग्न भुजा 90 डिग्री का, अब हम क्या करेंगे, अगर दो 90 डिग्री का होगा, थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं बना है लेकिन आप बना लीजिएगा, स्ट्रेट कर लीजिएगा, सीधा कर लीजिएगा, अब 90 डिग्री का, तो हमको किसी चीज को मेजर करना होगा तो हम कर सकते हैं, कहां, अगर हमें मान लो 10 mm लेना है या 15 mm, तो हम इसको आधार मान सकते हैं, इसको यहां से अगर लेना है इसको आधार मान सकते हैं यहां से, तो कम से कम अगर दो भुजा समकोण हो तो हम लोग यहाँ पे डेटम लाइन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं मार्किंग के लिए। तो तीन प्रोसेस आपको मैंने मार्किंग का समझाया, एक पहला सेंट्रल लाइन, दूसरा टेम्पलेट के द्वारा मार्किंग, और तीसरा डेटम लाइन के द्वारा मार्किंग, किसके द्वारा, डेटम लाइन के द्वारा मार्किंग। क्या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में पूरा आ रहा है कि नहीं, डेटम लाइन के द्वारा। तब हम ये लाइनिंग क्यों खींचते हैं, जब इसको आधार, जैसे मान लो एक खिड़की है, यहाँ पे देखते हैं एक खिड़की है, अब इसको मापना हो तो हम क्या करेंगे, नीचे का इसको आधार मान लेंगे और यहां से माप लेंगे 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर। तो डेटम लाइन विधि के द्वारा मार्किंग उसको करते हैं जिस जॉब की दो भुजा समकोण यहां और यहां 90 डिग्री का एंगल बना। क्लियर है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो मार्किंग करने की ये तीनों विधियां आपको समझ में आ गया क्या, मार्किंग करने की ये तीनों विधियां आपको समझ में आ रहा है ना, आपने खूब पढ़ा होगा आईटीआई कॉलेज में, हमसे आप 2018 में इतने लोगों पायलट हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, हम वीडियो प्रचार करने के लिए नहीं डालते हैं ठीक, लेकिन हम बहुत ईमानदारी पूर्वक आपको पढ़ा रहे हैं, और अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे आपको ट्रेड में कतई दिक्कत नहीं होगा, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, डेली आप 40 से 50 मिनट मेरे साथ दीजिए, आप 75 में जो है 55 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन, पिछले बार हमारे जितने भी स्टूडेंट थे 50 55, थोड़ा कम भी ध्यान दिए थे तो 40 कर आए, आराम से सेलेक्ट हुए,
हम पूरे बेसिक से पढ़ाते हैं, हर एक बात के ऊपर हम आराम से रुकते हैं और एक एक बात को समझाते हैं कि डेटम लाइन मार्किंग क्या होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि डेटम लाइन, बात समझ रहे हैं? तो ये आपको समझ, इस चैप्टर खत्म होने के बाद, अभी चैप्टर खत्म होने में 10-15 दिन लगेगा एक चैप्टर को खत्म होने में, और हमसे पढ़ोगे, बाकी तो लोग तो 2 घंटा में खत्म कर देता है, वो अलग बात है। उसके बाद हम आपको 8-10 दिन में क्वेश्चन कराएंगे। हमारे भैया भी 2018 में बने हैं, ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चीजें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, डेटम लाइन क्या है। तो मार्किंग की ये तीनों विधियां क्लियर हो गया। अब आप किसी को पढ़ा सकते हो, ऐसा पढ़ लो कि मार्किंग की तीनों विधियां बता सकते हो, मार्किंग की ये तीनों विधियां बता सकते हो। सेंट्रल लाइन मेथड क्या होता है, सेंट्रल लाइन विधि के द्वारा मार्किंग क्या होता है, टेम्पलेट के द्वारा मार्किंग क्या होता है, और हमने पूछा है डेटम लाइन विधि के द्वारा मार्किंग क्या होता है। तो सेंट्रल मेथड के द्वारा मार्किंग कहां करेंगे, जहां पे हमें ऐसा जॉब मिलेगा जिसका कोई किनारा ही फिक्स नहीं होगा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जगह दे दिया, टेढ़ा मेढ़ा जॉब आपको दे दिया, मतलब जस्ट वन मिनट, टेढ़ा मेढ़ा जॉब आपको दे दिया है। तो अब आप बता सकते हो कि टेढ़ा मेढ़ा जॉब पूछेगा आपसे जिसका कोई एक किनारा आप साइज फिक्स ना हो, ऐसे अगर आपको कोई जॉब दे दिया जाए तो उसका इसमें मार्किंग किस विधि द्वारा करेंगे हम, सेंट्रल विधि के द्वारा। कौन सा विधि, सेंट्रल विधि, मतलब सेंट्रल लाइन बीच में लाइन खींचकर करेंगे। और टेम्पलेट के द्वारा मार्किंग, मतलब उसका फर्मा बना रहेगा, उसके ऊपर खाली स्क्राइबर को घुमा देंगे तो वो टेम्पलेट मार्किंग हो जाता है। उसके बाद डेटम लाइन द्वारा मार्किंग, जिसका कम से कम उस जॉब का एक एंगल जो हो, मतलब दो कोण जो है के बीच संलग्न भुजा हो 90 डिग्री का हो। ये तीनों आपको समझ में आ रहा होगा। मार्किंग हम ऐसे ही नहीं कर देते, उसका नाप वाप होता है, कितना दूर तक ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। बुक आपको निम्नी पैटर्न का आता है, कल हम आपको बुक भी दिखा देंगे, फिटर के लिए क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिशियन, बस वही किताब पढ़ना है और कुछ नहीं। बाकी हम एप्लीकेशन में नोट्स दे रहे हैं बच्चों को, और एप्लीकेशन वाले बच्चों से नोट्स, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है तो उनको देंगे, आपको भी देंगे, लेकिन फ्री में नोट्स नहीं देंगे। उसके लिए हम कुछ फीस, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति लगाए हुए हैं, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, ठीक है, जो सच बात है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जिससे कोई टाइपिंग कर रहा है, कोई एरर कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, टेम्पलेट के द्वारा मार्किंग, सिर्फ टेम्पलेट के द्वारा क्या हो रहा है, मार्किंग हो रहा है, ये एप्लीकेशन के बच्चों को खुद मिलेगा। ओके, तो इसके बाद आपको ये समझ में आ गया, टेम्पलेट के द्वारा बहुत सारे उत्पादों में किया जाता है। अब आगे आपको डेटम लाइन, अब ये खत्म हो गया मार्किंग का समस्या। अब पढ़ेंगे हम लोग चिन्हित करने हेतु प्रयुक्त उपकरण, टूल्स यूज फॉर मार्किंग, कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग मार्किंग करने में, पता है? एक बात समझिएगा, ट्रेड की क्लास कैसे पढ़ा जाता है, हम कैसे आपको पढ़ाते हैं, हम लोग लगातार 5 दिन तक पढ़ते हैं नए नए चीजों को, 5 डेज, सॉरी 1 मिनट, 5 दिन तक हम लोग नए नए क्लास, क्योंकि ट्रेड का क्लास हम बहुत कम पढ़े हैं अपने जीवन में, मतलब आप बहुत कम पढ़े, तो 5 डेज पढ़ते हैं, और 6ठा दिन हम क्या करते हैं, जितना हमने 1 से 5 दिन पढ़ा है उसको फिर से एक बार पढ़ेंगे। वो क्लास 2 से 2.5 घंटे की होगी, 2 से 2.5 घंटे की वो क्लास होगी, 2 घंटा 30 मिनट या 3 घंटे की वो क्लास है, जो हमने 5 घंटे में पढ़ा है वो हम फिर 3 घंटे में, 3 आवर्स में हम पढ़ेंगे। इस प्रोसेस से हम आपको ट्रेड पढ़ाएंगे, तो आपका एक बार रिविजन हो जाएगा, फिर आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं भी इलेक्ट्रिशियन पढ़ाता हूं, और दूसरी बात अपने पास टीचर भी है इलेक्ट्रिशियन का, क्योंकि 2018 में इलेक्ट्रिशियन और फिटर दोनों पढ़ाया था। एक्चुअली मैं मैकेनिकल से हूँ, तो मुझे फिटर बहुत अच्छे से आता है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसको जो आप, जैसे दीपा मैम आपको इलेक्ट्रिशियन पढ़ाएगी, वो एमटेक की हुई है इलेक्ट्रिकल से, तो वो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे एक एक चीज, कौन सा ट्रेड बेस्ट है, फिटर या इलेक्ट्रिशियन। ज्यादातर इलेक्ट्रिशियन में वैकेंसी आता है, वैकेंसीज की बात करें तो बहुत वे ऑफ चीजें होता है, पढ़ना समझना बहुत बातें होती है, हम ये नहीं बोल देंगे आप फिटर हम पढ़ा रहे तो फिटर ले लो, ठीक है, हम बहुत सटीकता के साथ आपको बताते। तो अब हम बात करेंगे चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण, टूल्स यूज फॉर मार्किंग। मार्किंग के लिए हम लोग स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं, किसका, स्क्राइबर का। और स्क्राइबर में आप देखेंगे ये आपका स्क्राइबर होता है,
कहा गया स्क्राइबर यह एक मार्किंग टूल्स है, यह टूल्स स्टील का हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, हाई कार्बन स्टील, ये लाइन अंडरलाइन करने वाला, हाई कार्बन स्टील की बनी होती, किसका बना होता, हाई कार्बन ज्यादा कर, क्योंकि कठोरता ये क्या करता है, हार्डनेस देता, हाई कार्बन स्टील क्या करता है, इसमें हार्डनेस देता है, हार्डनेस कठोरता देने का काम करता है हाई कार्बन स्टील। और यह लगभग 3 mm से लेकर 5 mm मोटी होती। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि जो मार्किंग टूल्स है स्क्राइबर, क्या हमने बात किया स्क्राइबर, वो कितना मोटी हो सकती है? तो ऑप्शन में होगा 10 mm से 15 mm, 20 mm से 30 mm, 40 mm से 50 mm। तो इसका जो मोटाई होता है वो 3 mm से 5 mm होता है, स्क्राइबर की मोटाई। हम अभी डिटेल में बात कर रहे हैं एक एक चीज के ऊपर। तो स्क्राइबर की मोटाई, यहाँ पे दो चीजें लिखना पड़ेगा। एक पहला चीज आपको अभी कॉपी कलम लेके नहीं बैठना, बाद में नोट्स बनाना। पहला चीज लिखना होगा, स्क्राइबर जो है एक मार्किंग टूल्स है। स्क्राइबर क्या है, एक मार्किंग टूल्स है, यहाँ लिखा है एक मार्किंग टूल्स है। एक पॉइंट ये होगा, यह आपका हाई कार्बन स्टील का बना है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, क्योंकि इसके मुंह पर जो है, ये जो है हाई कार्बन स्टील, ये बहुत हार्डनेस होगा। दूसरा चीज स्टील की जो है, इसकी जो मोटाई होती है, मतलब कितना मोटा होता है, इतना मोटा नहीं ना बना देंगे स्क्राइबर, ऐसे आप थोड़ा पतला होगा। तो इसकी मोटाई बताया गया है कि 3 mm से 5 mm मोटी तार का ये बना होता है, इसकी मोटाई जो है 3 से 5 mm होता है, जिसको हम आराम से पकड़कर लाइन पेन जैसा, जस्ट आप पेन समझिए, तो 3 से 5 mm इसकी मोटाई होती है, पेन जैसा समझ रहे, जितना आपका पेन लगभग मोटाई है स्क्राइबर की मोटाई। और दूसरा चीज स्क्राइबर के बारे में, दूसरा पॉइंट देखेंगे स्क्राइबर के, इसका जो पॉइंट होता है वो 12 डिग्री से, जो यहां वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये 12 से आपका 15 डिग्री। ये भी एक सवाल आपके आते हैं कि स्क्राइबर का जो है पॉइंट होता है 12 से 15 डिग्री तक का एंगल का ये होता है। उसके बाद आगे बढ़, भारतीय मानक संस्था जो है ISI के अनुसार इसकी लंबाई जो है 150 मीटर से 200 मीटर। अब इतना बड़ा नहीं कि स्क्राइबर बना दे यहां से लेकर बांस इतना लंबा। स्क्राइबर की लंबाई और मोटाई, मोटाई आपको पता है 3 mm से लेकर 3 mm से लेकर 5 mm तक इसकी मोटाई होगी, और इसकी लंबाई जो है 150 mm से लेकर 200 mm तक होता है। ऐसा नहीं कि हम बांस इतना लंबा बना दे 2-3 किलोमीटर इतना लंबा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको बिल्कुल समझना है 150। तो ये पूरा चार पॉइंट अब आपको स्क्राइबर का जब इंट्रोड्यूस करोगे, इससे 3-4 सवाल बनते हैं कि स्क्राइबर कितना लंबी हो सकती है, 150 से 200 mm लंबी हो सकती है, एक सवाल ये बनेगा। दूसरा सवाल आपका क्या बनेगा, ये कितना मोटी हो सकती है, 3 से 5 mm आपका मोटी हो सकती है। दूसरा प्रश्न ये किसका बना होता है, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हार्डनेस इसमें खूब ज्यादा होता है, एक प्रश्न ये बनेगा। उसके बाद इसका जो एंगल होता है 12 से 15 डिग्री तक का कौन ये बनाता है, यहाँ पे ये हो गया। अब हम टाइप ऑफ स्क्राइबर पढ़ेंगे, स्क्राइबर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ स्क्राइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे स्क्राइबर एवं इनके प्रकार, स्क्राइबर एंड इट्स टाइप। पहले स्क्राइबर के बारे में जानकारी लिए, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, इसकी खूब मोटाई, कैसा भी स्क्राइबर हो उसकी मोटाई 3 से 5 mm ही होगा। अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ स्क्राइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीधा स्क्राइबर, जिसको स्ट्रेट स्क्राइबर कहते हैं, देखिए कैसा है, पेन जैसा है। दूसरा आपका होता है मुड़ा हुआ स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर, ये बेंट स्क्राइबर होता है, एक जगह 90 डिग्री पर बेंड होता है, फिर इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरा जो होता है वो बेंट स्क्राइबर होता है, क्या होता है, बेंट, एक 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है, इसे हम लोग कहते हैं मुड़ा हुआ स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर। इसका कहां, इस पर ना घिसा हुआ था, नर्लिंग कहते हैं इसको, इस पर एक नर्लिंग किया हुआ रहता है, ऐसा सरफेस बना होता है, रफ सरफेस, इसको हम लोग कहते हैं नर्लिंग, जिस तरह देख रहे हैं ना पकड़ने में, ताकि ग्रिपिंग अच्छा हो, ये क्या करता है, ग्रिप बनाता है, ग्रिप, ग्रिप को हम लोग कहते हैं नर्लिंग, नर्लिंग, ये नर्लिंग होता है, इसके ऊपर क्या होता है, नर्लिंग होता है, जिसको ग्रिप कहते हैं, ग्रिप। तो ये बेंट स्क्राइबर है, बेंट स्क्राइबर जो है 90 डिग्री के एंगल। तो आप टाइप ऑफ स्क्राइबर पढ़ रहे हैं, स्क्राइबर कितने प्रकार के होते हैं ये चीजें आप देख रहे हैं। स्क्राइबर जो है एक स्ट्रेट स्क्राइबर होता है, दूसरा आपका मुड़ा हुआ स्क्राइबर होता है, जिसको हम स्ट्रेट स्क्राइबर को आपने देख लिया, ये आपका स्ट्रेट स्क्राइबर है। उसके बाद दूसरा आपका जो है ये बेंट स्क्राइबर होता है,
और इस पर क्या होता है नर्लिंग किया हुआ रहता है, कोई भी स्क्रब है, ताकि आप आराम से उसको पकड़ पाए, नर्लिंग वाले जगह को जो है आप पकड़ पाए उसको, नर्लिंग वाले जगह को आप पकड़ पाए, ऐसा एक सरफेस बना हुआ होता है, नर्लिंग इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द नर्लिंग। और उसके बाद आगे और भी देखेंगे स्क्राइबर के टाइप, एक होता है ऑफसेट स्क्राइबर, ये ऑफसेट स्क्राइबर क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ऑफसेट स्क्राइबर क्या होता है। उसके बाद एक होता है पॉकेट स्क्राइबर, तो इस तरह के पॉकेट स्क्राइबर होते हैं। ये चार प्रकार के स्क्राइबर के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक चीजों के बारे में कि पॉकेट स्क्राइबर का क्या काम है, ये किन चीजों का बना होता है। तो जितने भी स्क्राइबर है सब हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है ये बात, और सारा नुकीला होता है, सारा का इस्तेमाल हम लोग मार्किंग करने में, लेकिन अलग अलग जगह मार्किंग करने में अलग अलग स्क्राइबर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें सिद्दीकी जी आप जो मैसेज कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है आपके मन में, आप हमें रीड कर ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, आप बहुत समझदार हैं, इसलिए मैं आपको आपको इन सब शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए हमारे लिए और हमारे साथी, और हम साथ में रहते हैं ऐसे कई लोग हैं, और हमारे ऑफिस में भी 200 लोग ऐसे ही होंगे जिसके साथ हम आप पर्सनली नहीं जानते हैं, जो चीज़ों को आप अपने मन से किसी चीज़ को बनाकर, और आपको मैं अभी ब्लॉक भी करवा रहा हूँ इसलिए नहीं कि आप उस बात की हो, आप बिना मतलब का कोई भी चीज़ फैलाने की कोशिश करते हैं, प्लीज इस तरह की कहीं कोई भावनाएं हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, बचपन से लेकर हम साथ में ही रहे हैं ऐसे, खैर वो सब चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो आपको समझ होने की थोड़ी। चलो तो ये चीजें आप समझना, पैसा सैलरी सब बता देंगे कितना मिलता है, कई अपने स्टूडेंट हैं 500 से ज्यादा, इसका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मोबाइल में, और वो उससे डेली बातें होती है, डेली तो नहीं मैसेज ग्रुप में है, हमने सारे बच्चों का रेलवे कैटेगरी वाइज ग्रुप बनाकर रखा है जो जो जहाँ, और हम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिससे आपको बात भी कराएंगे लोको पायलट से, आपके सामने लेकर आएंगे, रांची बोर्ड में बहुत सारे बच्चे हैं, कोलकाता में है, तो हम धीरे धीरे आपको उनसे भी मिलाएंगे। ठीक है, जो 2018 में पढ़ा था, ठीक है, इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्क्राइबर पढ़ेंगे, टाइप ऑफ स्क्राइबर में एक एक चीज का है, पहले हम लोग ऑफसेट समझ लिए हम लोग क्या है, पॉकेट स्क्राइबर, अब हम लोग एक एक स्क्राइबर का डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट स्क्राइबर, इसका क्या क्या चीज है, इसका प्रयोग लाइन खींचने के लिए किया जाता है, तो ये चीजें अब हम लोग थोड़ा सा आज क्लास जो है इतना ही रहेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कोर्स का, कोर्स में जो डेमो क्लास जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, और देखिए एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीबीटी 1 और 2 2499 का कॉम्बो बैच, इसके अंदर सीबीटी 1 2 या जो भी ट्रेड आप कर रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग न्यूमेरिकल बैच, वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाए, सब कुछ, ऐसे आप कोई भी एक बैच लेते हैं न्यूमेरिकल बैच मिलेगा, ये बात बिल्कुल ध्यान। तो ये हमने फीस ज्यादा क्यों लिया सर, आप कहीं भी तैयारी करते हैं ध्यान से सुन लीजिएगा, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं 499 199 भी तैयारी हो रहा, उसके पीछे का रीजन है, आपको हो सकता है कि मैथ के टीचर एक ही मिले और एक ही सब्जेक्ट के टीचर आपको उसमें बहुत अच्छा मिलेगा, आप देख लेना सारे जगह के कोर्स में देखना, एक टीचर आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा बस एक सब्जेक्ट का। यहाँ पे वैसा है कि आप सब टीचर को जानते हैं मैथ्स के लिए, उसके बाद भी 2 टीचर हैं सर, आपको कभी दिक्कत हो ही नहीं, इनसे ना समझ में आए इनसे समझ में आए, रीजनिंग के लिए 2 टीचर है, पुलकित सर की क्लास चल रहा है, प्रीति मैम 2 टीचर, एप पर क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, रितेश सर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री क्वालिटी, एक ही टीचर होते हैं जो आपको पूरे ब्रांच ही पढ़ा देते हैं, सारा ट्रेड वही पढ़ा रहे हैं, यहाँ वैसा नहीं होगा, हम आपको फिटर का एक्सपर्ट है फिटर पढ़ाएंगे, एक सर है आपको जो बेसिक इंजीनियरिंग और ये पढ़ाएंगे जहां मेरिट बनेगा CBT 2, और दूसरे आपको यहाँ पे दीपा मैम आपको इलेक्ट्रिशियन पढ़ाएंगे जो खुद एमटेक की हुई है, तो ये सारे लोग जो है आपको पूरा कंप्लीट, इसीलिए सर अगर 15-16 टीचर पढ़ा रहे हैं, कई GST कई टैक्स कई चीजें होती है, उसके बाद भी अगर 60-70 रुपये पर बच्चे के हिसाब से एक टीचर को नहीं मिले सर, इतने मेहनत तो कर रहे हैं ना सारे टीचर, तो आप अगर एक आदमी की कोर्स भी लोगे ना तो 1000 रुपये लग ही जाते हैं, तो ये बात हमने बताया, इसलिए थोड़ा सा कोर्स नहीं तो एग्जाम्पल का कोर्स आपको पता ही होगा, तो ये सारी सुविधा है और बातें हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजें, पैसे की बात है ही नहीं, आपका टाइम का बात है, अगर आप पूरा बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। और उसके बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आप ये सारी सुविधाएं, लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स का मैगजीन, कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है
वो चीज है, फ्री साइंस न्यूमेरिकल का क्लासेस जो है, न्यूमेरिकल का कहीं नहीं करने जाना, ठीक है। क्लास पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पीडीएफ, वन लाइनर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स एवं क्वेश्चन पीडीएफ, डाउट सेशन जूम, ये सारी सुविधा है। इसके बाद आपको और भी कोई दिक्कत हो रहा है, हम कौन सा ट्रेड ले, आप इस पे मैसेज करें, क्या लिखकर, एएलपी डेली मैं बता रहा हूँ, और एएलपी लिखकर अभी आपको मैं दिखाऊंगा, एक डाटा दिखाऊंगा कि भारत में आप सोचते हैं हम लोग थोड़ा चिल्लाते कम है, दिखाएंगे सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, वो बहुत जल्दी मैं दिखाऊंगा। एएलपी आप लिखकर मैसेज करें, एएलपी लिखकर आप मैसेज करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं रात में ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बाद में वीडियो को देखते हैं, और बाद में ऐसा नहीं कि लाइव वॉचिंग में ही उतने बच्चे पढ़ते, बाद में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो एएलपी लिखकर आप मैसेज करें, कॉल जाएगा और हम भी खुद बात करेंगे जिसको ज्यादा जरूरत रहता है उसे, क्योंकि हजारों हजार बच्चे के मैसेज आ जाते हैं। तो हमारे साथ आज दिन भर हमने बहुत सारे बच्चे से बात भी हुआ होगा और मेरी भी बात हुई है बहुत सारे से, और हमें हमसे बात नहीं हुआ होगा, और हमारे साथ एक बैठते हैं उनसे बात हुआ होगा, अगर वो सॉल्यूशन को सॉल्व कर पाते ठीक है, नहीं तो मैं करता हूँ खुद से बात। तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है, कोर्स ये वो ट्रेड नहीं समझ में आ रहा है सर क्या करें कैसे तैयारी करना, तो आप इस पर मैसेज कर दे, एएलपी पूरा काउंसलिंग, पूरा एएलपी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको बिल्कुल भी तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है, प्रॉपरली हम लोग तैयारी करा रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको इस कोर्स में, आप जितना जल्दी हो दिसंबर में 10 के आसपास तक में कोर्स पूरा प्रॉपरली रनिंग, अभी आपको सारा तरीका सब बताया जा रहा, वो सारी वीडियो भी उपलब्ध है, तो आप कोर्स में जाके एनरोल कर सकते हैं। और ये बातें ध्यान में रखना है, अभी ये 5,900 50% डिस्काउंट के लिए RRB50 कोड लगाएंगे, आपको ये बैच मिल जाएगा। तो बस आपका निर्णय, आपको क्या करना है, हमें ईमानदारी के साथ जो है हमने आपको प्रॉपरली बता दिया। जय हिंद जय भारत, कल 10 बजे और रेगुलर टाइम के साथ आप जुड़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्लास ये चलते ही रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।